तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो हमें सरफेस टेंशन जो गिवन लिक्विड होगा जो हमारे पास लिक्विड होगा उसका हमें सरफेस टेंशन फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ स्पिग्नोमेट्री। ये हमारा स्पिग्नोमीटर है जो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हमें सरफेस टेंशन फाइंड करना है। इसके अंदर बहुत पतली कैपिलरी है और इसके अंदर मार्किंग दिए गए हैं, कैलिब्रेशन दिए गए हैं। हमें सबसे पहले हमारे पास वाटर लेंगे एज अ रेफरेंस डिस्टिल्ड वाटर, और दूसरा जो होगा वो हमारा होगा सर्फेक्टेंट। इन दोनों का हमें सरफेस टेंशन फाइंड करना है बाय यूजिंग डेंसिटी फार्मूला। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये हमें जो है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर उसको हमें वाटर के अंदर डालना है। वाटर के अंदर डालने के बाद यहाँ से सक करना है, यहाँ से हमें सक करना है और इस पॉइंट तक, यहाँ इस पॉइंट पे ले जाके हमें इसे स्टॉप कर देना है और इतना फिल करके। नॉर्मली अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रीडिंग मिलेगा बट उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो वो टाइम को बचाने के लिए और थोड़ा हमारा एरर ज़्यादा आएगा बट इसके अंदर हमारा एरर जो होगा वो कम से कम आएगा। सो यहाँ तक हमें ले लेना है। यहाँ तक लेने के बाद हमें इसे किसी भी एक अच्छे स्टैंड में, जैसे कि हम अपने ब्यूरेट स्टैंड के लिए यूज़ करते हैं वो स्टैंड का यूज़ करना है। उसको रखने के बाद यहाँ से जो ड्रॉप्स गिरते हैं, जैसे कि स्मॉल ड्रॉप्स गिरते हैं, उन्हें काउंट करना है कब तक जब तक वो यहाँ तक ना आ जाए। जब यहाँ तक आ जाएगा तब तक के हमें ड्रॉप काउंट कर लेने हैं। ऐसे हमें दो बार लेने हैं। दो बार लेने का रीज़न इसलिए है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एरर मिनिमाइज कर सके। ये होने के बाद हमारा पहला रीडिंग हो जाएगा ड्रॉप ऑफ वाटर। उसके बाद हमें दूसरा जो रीडिंग लेना है वो हमारा सर्फेक्टेंट का लेना है। सर्फेक्टेंट के अंदर हमें ऐसे बीकर में सर्फेक्टेंट निकालना है। ये हमारा सर्फेक्टेंट है, सर्फेक्टेंट हमें हमारे बीकर में ले लेना है और उसके बाद हमें उसे अपने स्पिग्नोमेट्री इंस्ट्रूमेंट से सक करना है और सेम इसी तरीके से यहाँ तक कैलिब्रेशन लेना है और उसको तब तक हमें स्टैंड रख देना, तब तक उसके ड्रॉप्स काउंट करने जब तक वो वाटर जो लिक्विड हो जो सर्फेक्टेंट हो यहाँ तक ना पहुँच जाए। ऐसे हमें दो रीडिंग लेने हैं मिनिमाइज करने के लिए एरर, और उसका हमें एवरेज निकाल देना है। Thank you.